देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में जबलपुर में एक शख्स अनोखे तरीके से नामांकन भरने पहुंचा। युवक नामांकन राशि के लिए सिक्कों की गठरी भरकर लाया। निर्वाचन कार्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले विनय चक्रवर्ती सिक्के लेकर पहुंचे और लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्म भरा। विनय ने नामांकन के साथ जमानत की राशि के लिए सिक्कों को जमा कराया। सिक्कों की गठरी को गिनने के लिए काफी समय भी लगा। 25,000 जमानत की राशि में 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के थे। आज विनय चक्रवर्ती जी यहाँ आए थे, उन्होंने पैसे जमा कराए हैं, 25,000 रुपये जमा करा के उन्होंने रसीद कटाई है और 25,000 रुपये की जो राशि है उन्होंने 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के सिक्के के रूप में जमा कराई है। ये ठीक है, खैर मुद्रा भारतीय मुद्रा है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के परेशान करने की नीयत से और केवल एक फुटेज लेने के लिए मीडिया का उसके लिए आते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, चुनाव जैसे संवेदनशील उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको सहयोग करना चाहिए। पर फिर भी यदि इस तरह के लोग आते हैं तो हमारी तो कानूनी बाध्यता है कि हम उसको लें, उसको उसके करते हुए उनको फीस भी उनकी जमा कराएगी और रसीद भी उनको दे दी गई। गौर करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और पहले चरण के लिए 27 मार्च तक नामांकन होंगे, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी विनय चक्रवर्ती सिक्कों की गठरी लेकर पहुंचे वो चर्चा का विषय बन गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की